अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर संसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में भी आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविधान करना होगा, यह सरकार वह प्राविधान करने को तैयार है। लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए, सुझाव सदन के आने दीजिए। किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सारी सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं, आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं, और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं।